नमस्ते जी। जी नमस्कार जी। देखिएगा क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से शशिकांत कौशिक जी ने इशारों में कुछ अलग कहने की बात की गई और लोगों का जो है एकदम से जो है निर्णय भी नहीं अभी फिलहाल 11 तारीख पर छोड़ दिया गया है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है कि ये कोई छोटा निर्णय नहीं है और हमारी तीसरी बार है, ये सब गाँव की जितनी भी पंचायत है वो सब मिल के लेंगी और मैं इस गाँव से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चे को संभाल लो, तीसरी बार है, ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, तो ये होनी नहीं चाहिए। एक बहू होने के नाते मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी इस हल्का वासियों से कि कोई पैसों में अगर टिकट लेके आता है तो ये नहीं देखना चाहिए किसकी कितनी मेहनत है, कितनी उसकी कमाई उसने घोप दिया इस एरिया पे, थोड़ा सा सोचना चाहिए उनको। और मैं तो झोली पसार के सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अब की बार संभाल लो, बाकी जो पंचायत फैसला लेगी उसके साथ हम हैं। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान नाइन न्यूज। देखिएगा बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई थी, शशिकांत कौशिक जी का सबसे पहले नाम जो है यहां की जनता ले रही थी कि शशिकांत कौशिक जी का यहां से पक्का टिकट है। मैं बात करूं पहली लिस्ट में ही शशिकांत कौशिक जी का जो है यहाँ से नाम कट हो गया है, मनमोहन सिंह बडाना जी का बीजेपी से यहाँ से टिकट हुआ है। इसी को लेकर काफ़ी घमासान काफ़ी भूचाल यहाँ पर समालखा के अंदर चला और आज हम आपको बताना चाहते हैं कि शशिकांत कौशिक जी ने 8 तारीख का यानी कि आज के ही दिन अंतिम फैसला लेने का जो है निर्णय यहाँ पर रखा था। काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे और लोगों से अभी बातचीत करेंगे कि कैसे ये है जो चुनाव के बारे में अभी सोच रहे हैं, क्योंकि शशिकांत कौशिक जी की तरफ से जो है कहीं ना कहीं इशारों में चुनाव ना लड़ने की जो है कहीं ना कहीं नज़र आया कि शशिकांत कौशिक जी शायद यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन लोगों का प्यार की मैं बात करूं तो कोई 11 लाख रुपया चुनाव लड़ने के लिए दे रहा, कोई 15 लाख रुपया, कोई 5 लाख रुपया, कोई 2 लाख रुपया, कोई 50,000 रुपया लोगों ने जो है शशिकांत चुनाव लड़ने के लिए यहां पर अपनी बोला है कि यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो इतने लाख रुपया हम भी आपको सहयोग के रूप में देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जनता इनसे बातचीत करेंगे कि ये क्या कुछ सोच रहे हैं। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम हो गया जी? सतीश कुमार। सतीश जी कहाँ से आए हैं? मेरा तो यही गाँव है, चुलकाना धाम। चुलकाना से ही है। तो क्या लगा आज जो है जो आज शशिकांत जी ने बुलाए थे, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग भीड़ इकट्ठा हुई। 15 साल का शशिकांत का कैरियर जो था वो उसकी गरिमा को ठेस पहुँची है। 15 साल से बीजेपी जो पार्टी है उनकी तैयारी कर रहे थे शशिकांत जी एक जनसेवा के रूप में, आप तो उन्होंने अब की बार जिस भी गांव में जाते थे हम डंका बज रहा था शशिकांत के डंका पर, बीजेपी के नाम पर, शशिकांत के नाम पर, भाई शशिकांत बीजेपी से टिकट ले आए, 11 नहीं बजने देंगे और 11 बजे जी 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 एक मिनट। नमस्ते जी। जी नमस्कार जी। देखिएगा क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से शशिकांत कौशिक जी ने इशारों में कुछ अलग कहने की बात की गई और लोगों का जो है एकदम से जो है निर्णय भी नहीं अभी फिलहाल 11 तारीख पर छोड़ दिया गया है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है कि ये कोई छोटा निर्णय नहीं है और हमारी तीसरी बार है, ये सब गाँव की जितनी भी पंचायत है वो सब मिल के लेंगी और मैं इस गाँव से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चे को संभाल लो, तीसरी बार है, ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, तो ये होनी नहीं चाहिए। एक बहू होने के नाते मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी इस हल्का वासियों से कि कोई पैसों में अगर टिकट लेके आता है तो ये नहीं देखना चाहिए किसकी कितनी मेहनत है, कितनी उसकी कमाई उसने घोप दिया इस एरिया पे, थोड़ा सा सोचना चाहिए उनको। और मैं तो झोली पसार के सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अब की बार संभाल लो, बाकी जो पंचायत फैसला लेगी उसके साथ हम हैं। देखा जाए तो 10-12 साल से शशिकांत कौशिक जी इतनी मेहनत कर रहे थे कि हर गांव में जहां पर भी ज़रूरतमंद है, हालांकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं शशिकांत कौशिक जो है करण के नाम से यहां पर जो है प्रसिद्ध हो गए थे, क्योंकि एक दानवीर करण थे महाभारत के अंदर, दूसरा नंबर यहां पर अब लोग लेना शुरू कर चुके थे कि शशिकांत जी ऐसे हैं, करण जैसे हैं। तो अब ऐन मौके पर टिकट कटना, फिर लोगों में वो भारी रोष दिखाई देना बीजेपी की तरफ, और दूसरी तरफ हम बात करें मनमोहन सिंह बडाना जो कि अभी आए हैं, हालांकि पहले यहाँ पर चुनाव लड़े इनके पिताजी रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर एकदम से जो है एक महीने के अंदर ही आकर के चुनाव और टिकट ले जाना, ये कैसे संभव हो?
ये हमारे इस समाल का हल्के ने देखना है कि मनमोहन बड़ाणा जी क्या कैसे अपनी टिकट लेके आए हैं, और ये ऊपर पार्टी का निर्णय है कि उन्होंने क्या सर्वे देखा है, क्या कुछ नहीं, उन्होंने क्या चीज़ अवॉइड करी है। लगता है कि ये सर्वे के आधार पर टिकट दी गई है। नहीं, सर्वे के आधार पर बिल्कुल नहीं दी गई है। सर्वे के आधार पर दी जाती तो टिकट होती, चुलकाना वासियों की टिकट ही होनी थी, और ये टिकट दो बार आ चुकी है पहले, चलो अब की बार कट गई, अब दो बार आ चुकी है। इस हल्का वासियों ने, समालका वासियों ने ये समझना है कि दो बार टिकट आने के बाद अब की बार कट भी जाती है, तो देखते हैं कि हल्का वासी कैसे इसको संभालेंगे। अच्छा, देखा जाए तो जैसे पहले दो बार जो है टिकट दी गई जी शशिकांत कौशिक जी को, सफल नहीं हो पाए। तीसरी बार हालांकि अब तो लोग खुद बाहर आकर के निकल के बोलने लग गए थे कि शशिकांत ही इस बार जीतेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब तीसरी बार जो है टिकट कटा है और दो बार मिला है, तो इसमें ज़्यादा नाराजगी भी दिखाई देती है, या फिर ऐसा है कि कहीं ना कहीं जब दो बार टिकट मिल गया था और तीसरी बार नहीं मिला तो कोई बात नहीं। नहीं, बात तो उनको देखना चाहिए था कि कौन बेस पे कौन काम कर रहा है, यहाँ पे इस ज़मीन पे काम को किसका किया जा रहा है, कौन जनसेवा कर रहा है। जनसेवक की तरह उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे हैं, और ये मैं नहीं कहूँगी कि हम बीजेपी की, ये तो कहा जाएगा कि उन्होंने ये देखा नहीं कि कौन उम्मीदवार यहाँ से जीत में है। और जहाँ से बड़ाणा जी की बात है, वो भूखन कह के गए हैं इस एरिया को, ये इन लोगों को सोचना होगा कि अब आगे भी भूखन कहलवाना है क्या। अच्छा, अब देखा जाए 11 तारीख को यदि आजाद चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं तो फिर कैसा रहेगा, कैसे सोच रहे हैं फिर राजनीति के बारे में, यदि आखिरी फैसला यही हुआ कि चुनाव ही लड़ना है तो फिर क्या सोच रहे हैं? नहीं, सोच तो ये जो आपको जन समर्थन दिख रहा है इसके हिसाब से सोचा जाएगा, ऐसे नहीं सोचा जाएगा। तीसरी बार आप ये देखो ना, जिसने दो चुनाव हार लियो वो भी टिकट पे, और तीसरा चुनाव को ऐसे नहीं नज़रअंदाज करके नहीं लिया जाएगा कि कोई बात नहीं लड़ लेते हैं। जन समर्थन इकट्ठा हुआ ये दिखने में और एक्चुअली जो होगा उसमें बड़ा फर्क होगा, प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा जी। अच्छा, आखिरी सवाल ले लेता हूँ, जैसे कि अभी बीजेपी से किसी हाई कमान से या कहीं ऐसा कुछ फोन कॉल आया टिकट कटने के बाद कि परिवार में कुछ बातचीत हुई हो ऐसे? देखो भाई, मैं कोई राजनीति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखती हूँ, ऊपर से किससे बात हुई है क्या हुई है इस बारे में मैं नहीं, मेरे को नहीं पता इस बारे में नहीं। लेकिन आप जनता के साथ जाना चाहेंगे जैसा जनता 11 तारीख को जो है? जनता करेगी, उनके हिसाब से करेंगे, जनता का ही है सारा, जनता के लिए ही है, जनता का ही है, वो जैसा कहेगी वैसा उन बातों पर विचार करके, वही हम अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, वो जैसा कहेंगे उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। अब समालखा वासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? समालका वासियों को अगर हमने चुनाव नहीं लड़ा तो हम किसी के हित में ये नहीं कहेंगे कि आप इसको वोट दो, उसको वोट दो, इसको, वो उनका अपना मत है, वो जिस तरीके से देना चाहें वो उनका मर्जी है उनकी, हमारी कोई ये नहीं है कि हम उनको कहेंगे कि आप हमारे हिसाब से वोट दो। और इन लोगों ने, जिन्होंने इतना जन समर्थन हमारे साथ है, इतना हल्का वासियों ने जोर लगा दिया, हर एक की जुबान पर शशिकांत शशिकांत है, तो ये हमारे लिए भी ये कहना गलत है कि भाई हम ये कहें कि इसको वोट दो, ये हमारा कोई मत नहीं है, अपना सबका मत पे सबका अपना अधिकार है, वो अपने हिसाब से दें जिसको देना। अच्छा, सिर्फ आखिरी सवाल ले लेता हूँ, जब जैसे ही टिकट जारी, जैसे ही लिस्ट जारी हुई थी टिकट में मनमोहन सिंह बड़ाणा जी का नाम सुना तो परिवार में स्थिति कैसी थी उस वक्त, क्या सोचा जैसे ही नाम सामने आया? क्या सोच सकते थे, सोचना तो कुछ भी नहीं था, ये तो चुलकाना की हार लगा लो या इस समाल का वासियों की हार लगा लो, कि मतलब निस्वार्थ भाव से एक इंसान काम कर रहा है और जन समर्थन खूब हमारे साथ है, इस बारे में कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने कुछ देखो दुख तो होता ही है सबको, इसमें कोई बात नहीं है, जिसने इतनी मेहनत करी हो और उसको उसका फल नहीं मिले तो देखते हैं भगवान की क्या इच्छा है, क्या चाह रहा है, आने वाला समय बताएगा, आप 11 तारीख आपको बता देगी कि क्या करेंगे जी। शुक्रिया, फिलहाल देखिएगा हम यहाँ पर जो है बातचीत कर रहे थे और शशिकांत कौशिक जी की यहाँ पर धर्म पत्नी थी, इनसे बातचीत की कि कैसे जो है अभी 11 तारीख को जैसे ही अभी फैसला हालांकि पेंडिंग पे है कि क्या कुछ सोच रहे हैं आगे की राजनीति के बारे में, तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9, मैं अश्विनी कुमार, जय हिंद।